हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और ये जो लव स्टोरी है ना, ये थोड़ी सी मतलब वो क्यूट स्वीट इनोसेंट टाइप वाली स्टोरी जो है वो होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी हीरोइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है और उन्हें कुछ नहीं पता है दुनिया जहान के बारे में। अब वो क्यों नहीं पता है, क्या पूरी स्टोरी है, ये जाने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा। बाकी इसकी डिटेल जो है ना वो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है अरेंज्ड वाला लव। इसकी जो रेटिंग है वो 4.5। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो हैं 13, जिसमें से मैं 12 पढ़ चुकी हूँ। अभी आया है वो थोड़ी देर पहले, तो मैं नहीं पढ़ा। इसके जो ऑथर है उनका नाम है ब्लैक पर्ल, और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है इति सिंह और आहार्य सिंह राजपूत। तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्टोरी किस तरीके की है। तो आहार्य सिंह राजपूत दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, जिसके आगे कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। स्ट्रिक्ट माइंडेड और शॉर्ट टेम्पर्ड वाले आहार्य सिंह राजपूत की शादी बिना उसे बताए उसके परिवार वाले तय कर देते हैं, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसका नाम है इति सिंह, जो बेहद मासूम और नादान है, जिसे किसी के तेज बोलने से भी डर लग जाता है। घर वालों के कहने पर इति भी शादी के लिए राजी हो जाती है, पर आज तक आहार्य इति से कभी नहीं मिला, तो कैसी होगी इनकी पहली मुलाकात? और जब वो ऐसे गुस्सैल इंसान से मिलेंगी तो उनका किस तरीके का रिएक्शन जो है वो होने वाला है? तो भाई देखो, इनका ना कुछ पास्ट का कनेक्शन था, सीधी सी बात है। जब वो उनको देखते हैं तो वो उन पे फ्लैट हो जाते हैं। अब वो हो चुका है जुनूनी टाइप, तुम मेरी हो, मेरे पास ही रहना है, मेरे सामने ही करना है, जो करना है, जिस तरीके से भी जीना है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, सीधी सी बात है। तो चलो भाई ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात थी कि हमारे हीरो को फोर्स किया गया था इस मैरिज के लिए, तो भाई कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, मिल तो गई ना ड्रीम गर्ल उनको, वही वो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बस वैसा ही हुआ ना। बट हमारी हीरोइन को वो याद नहीं है। अब वो क्या है सीन इनका पास्ट वाला, वो तो आप लोग खुद ही इस नॉवल को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फैमिली की बात कर लेते हैं। दोनों का भरा पूरा परिवार है, हालांकि जो इति है उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, ये कह लो इनके बीच 10 या 11 साल का फ़र्क है दोनों के बीच में। ठीक है, पर हमारी जो हीरोइन के भाई है वो भी नहीं चाहते इतनी जल्दी छोटी उम्र में उनकी बहन की शादी हो, लेकिन कुछ रीजंस हैं, या फिर ये कह लो कि कुछ लोग हैं, या फिर कोई राज है जो इनके पीछे, मतलब ये कह लो कि उसकी वजह से ये इति को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये शादी जो है वो की जा रही है, क्योंकि वो मतलब जो हमारे हीरो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल हैं। तो अगर दोनों फैमिलीज की पावर को मिला दिया जाए तो भाई अच्छे तरीके से हमारी हीरोइन को एक शील्ड में रखा जा सकता है, ताकि उन्हें उनकी मासूमियत को, उनकी नादानी को एकदम बचा के रखा जा सके। ठीक है, तो भाई चलो ये भी ठीक है, लेकिन हमारी हीरोइन जो है ना वो हमारे हीरो से बहुत ज़्यादा डरती हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि भाई अगर कोई तेज भी बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो भाई क्या किया जा सकता है, ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। और अभी तो उनकी जो है मतलब ज़िंदगी ये कह लो शुरू ही हुई थी, और इतनी जल्दी उनकी शादी हो रही है, उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को भी इस बारे में नहीं बताया। और तो और वो पार्टी करने जब क्लब में जाती हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हो जाती है हमारे हीरो से, और गलती से जो है वो जूस समझ कर वाइन को पी जाती हैं, लेकिन जूस भी नहीं समझा था उन्होंने, बस अट्रैक्टिव लगी वो रेड कलर का। हाँ तो अब भाई उन्हें क्या ही पता था, वो सोच से वो वेटर जो है वो मना भी कर रहा होता है, लेकिन हमारी हीरोइन को तो ऐसे है कि मैं तो राजकुमारी हूँ, क्योंकि दोनों की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल और ऐसी वाली वो मतलब वो खानदान टाइप, वो यार मतलब आप लोग समझ गए ना किस तरीके की मैं बात कर रही हूँ, बस हाँ वही वाला। ठीक है, एक रॉयल लाइफस्टाइल जो है उन्होंने बचपन से जिया है, और इति की तो बात क्या ही की जाए कि भाई वो तो हमेशा से एक ऐसी मतलब फैमिली वाली शील्ड में रही है, कि कभी किसी ने उनको डांटा नहीं, हर विश जो है वो पूरी की, मतलब चाहे उनके मतलब 4 पीढ़ियों के बाद उनकी फैमिली में कोई लड़की हुई है, तो इस वजह से मतलब इति को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग प्रोटेक्टिव बिहेवियर जो है उनकी फैमिली का देखने को मिलता है। और इति भी जो है वो क्या बोलते हैं, अपनी मासूमियत का अच्छा जाल फेंकती हैं, और उनके घर वाले जो है उनकी हर विश जो है वो पूरी करते हैं।
हालांकि वो उन्हें ज्यादा बाहर नहीं जाने देते, विदाउट प्रोटेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, और सेफ्टी वाला बहुत बड़ा इशू रहता ही है। लेकिन क्या किया जा सकता है, हमारे हीरोइन को तो कोई पड़ी ही नहीं होती है उन सब चीज़ों की, वो तो उन्हें चकमा देके सोचती है मैं तो बस भाग जाऊँ यहाँ से। क्योंकि यार ऐसा ही होता है जब इन लोगों के साथ, मतलब ये भी सोचते हैं ना यार हमें भी तो खुल के जीने को मिले, ठीक है, तो इस वजह से शायद वो जो चीज़ करती हैं वो शायद उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन अदर लोगों के लिए वो सही नहीं है क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी है, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है इसके, तो इस बारे में मैं डिटेल में बात नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, बस यही है कि अब आप लोग देखो कि जब इनकी शादी हो जाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ शादी होने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो उस बीच में कितनी मुलाकातें इनकी होंगी, क्या इतनी जो है वो अपना डर ख़त्म कर पाएंगी हमारे हीरो के सामने। तो वही क्यूट स्वीट और बाकी अदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लव स्टोरी जब हमें देखने को मिलेगी, या फिर जब हमारी हीरोइन जो है वो बाहर निकलेंगी तो इनके पीछे भी जो भंवरे आएंगे, और हमारे हीरो जो है उनके पीछे तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ होंगी ऑलरेडी, तो वो सब जो है वो किस तरीके से डील करेंगे, बाकी इनके जो बिजनेस राइवल्स हैं या फिर एनिमीज हैं उनसे किस तरीके से जो है वो बचेंगे और साथ में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ में जो है वो अच्छे से रहेंगे, या फिर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होगी या फिर फैमिली ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो भाई इसमें फैमिली ड्रामा, फ्रेंडशिप गोल्स, कपल गोल, रोमांस, मिस्ट्री और वो राज या फिर क्या चीज़ है, कौन है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है जिससे वो उनको बचाना चाह रहे हैं, वो सब कुछ, मिस्ट्री, थ्रिल, सस्पेंस, रॉयल लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों की आप लोगों को कोई भी कमी नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छी क्यूट स्वीट रोमांटिक लव स्टोरी है, हर कोई आके जो है इस नॉवल को पढ़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और इमेजिनेशन तक रखना है कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जस्ट स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.